नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप लोग का होस्ट भास्कर चंद्रा, रत्ना फाउंडेशन ट्रस्ट हरिद्वार से। आज हम जाने वाले हैं रावली मैदूद में स्थित एक ऐसे ओल्ड एज होम में जहां पर सारी सुविधाएं निशुल्क दी जाती है। अधिकतर हम समाज के ऐसे पार्ट को फोकस कर रहे हैं अब जिनका अपना कोई नहीं है, वे पूरी तरह से बेसहारा है, गरीब है और जो सम्मान और प्यार के हकदार है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो वृद्ध माँ बाप इस समय वृद्धाश्रम में जाके रह रहे हैं उनकी मनोस्थिति और पारिवारिक स्थिति कैसी होगी। पूरा समाज, उनके बच्चे उनका निरादर करके तिरस्कार कर चुके हैं और इतना तक उनको नहीं छोड़ा कि उनको अपने साथ रख सकें। तो कम से कम हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके लिए थोड़ा सा धन, थोड़ा सा सामान इकट्ठा करके उनको दे सके। हम उनके दुख तो पूरी तरह से कम नहीं कर सकते, पर उनको दुख को कम करने में थोड़े बहुत भागीदार हम लोग बन सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप सब भी इस पुण्य के काम में भागीदार बने और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। वे आपको नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते, पर रत्ना फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों की, उन वृद्ध माँ बाप की सेवा कर सके जितना भी हम लोगों से संभव हो पाएगा। तो उनके दुख को कम करने की कोशिश हम करेंगे जितना हमसे हो पाए। तो धन्यवाद, और चलिए मेरे साथ देखते हैं वहाँ पे क्या सेवाएं उनको मिल रही है, किस टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल है। मैं उन सभी बेटे और बेटियों से अपील करना चाहूँगा कि जो लोग समर्थ हैं वे कभी भी अपने माँ बाप को इस परिस्थिति में आने ही ना दें, क्योंकि इससे ज़्यादा दुख और दर्द क्या हो सकता है कि कोई अपने माँ बाप को, जिन्होंने हम लोगों को पाल पोस कर बड़ा करा, सारा दुख दर्द झेला, और उनको ऐसी स्थिति में ला के फेंक देना कि उनको दो वक्त की रोटी भी ना हम लोग दे सके, थोड़ा सा प्यार भी ना दे सके। इस उम्र में हम लोगों को भी गुजरना है इस उम्र से। तो आप लोग अपने बारे में भी सोचिए कि भगवान ना करे कि ये दिन किसी को देखना पड़े। तो अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कीजिए। उनको प्यार की ज़रूरत है, उनको आपके प्यार की ज़रूरत है, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप उनके साथ रहिए, केयर कीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। और जो लोग अभी वहाँ पे वृद्धाश्रम में रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूर है, उनकी जितनी सेवा कर सकते हैं उतना कम होगा। आप लोग जाइए वहाँ पे, जाके कुछ डोनेशन देना चाहते हैं वहाँ पे डायरेक्ट जाके दीजिए। नहीं दे सकते हैं, नहीं जानते हैं उनको, तो आप हमारे माध्यम से भी डोनेशन या कुछ भी सहयोग उनको करवा सकते हैं, जो कि हम लोग अपने चैरिटी के थ्रू, ट्रस्ट के थ्रू डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो आप लोग सेवा कीजिए, निस्वार्थ भाव से माँ बाप की सेवा कीजिए। माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है और माँ बाप की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। धन्यवाद। ये यहाँ का मंदिर है। हम लोग अभी है अभिलाषा वृद्धाश्रम, जो है बादराबाद में, रावली मैदूद में है। बिल्कुल। तो ये है अर्चना जी, ये खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे और इस जगह के बारे में बताएंगे कि ये कैसे कैसे लोग यहाँ पे आते हैं, किस किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो बताइए मैम। नमस्ते सर, मेरा नाम अर्चना आर्य है और मैं यहाँ पे सर अपने वृद्धाश्रम के लिए फैसिलिटीज जितने से ज्यादा प्रोवाइड करा सकती हूँ उसके लिए मैं काम करती हूँ। ये हमारा रावली महदूत में है। आप शिवालिक नगर पे आइए, शिवालिक नगर से आप लेफ्ट लेंगे
और आप बैरियर नंबर 6 पे पहुंचेंगे, वहां से आप राइट लेंगे। अच्छा। फिर आप वहां ऊपर बहुत बड़ा बड़ा लिखा होगा, हमारा एड्रेस लिखा है बिल्कुल, हम लोगों के बाहर बिल्कुल है ना, आपको दिखा बिल्कुल, आने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे यहाँ सर ऐसे लोग आते हैं जो थोड़े अपने घर से कुछ बुजुर्ग परेशान होते हैं, जो उन्हें टेक केयर करने वाला नहीं होता, तो इसमें हमारी दो टाइप की फैसिलिटीज है। एक तो हमारी डोमेट्री है, डोमेट्री तो हमारी फ्री ऑफ द कॉस्ट है, ठीक है ना सर। वहाँ पे आपका रहना खाना कपड़े, बट शर्त ये है कि आप 60+ के होने चाहिए, आपके आधार कार्ड में 60+ होने चाहिए, और आपका एक मेडिकल होगा जिसमें आप में कोई मतलब आप मेडिकली इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ आके कोई प्रॉब्लम होती है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा। मतलब बीपी शुगर ये तो चीज़ें नॉर्मल है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेजर डिजीज ना हो। हाँ, मेजर कुछ ना हो, और उसके अलावा अगर कुछ होता है तो फिर वो आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, अगर किसी को मेजर डिजीज हुआ भी पहले से, वो यहाँ पे आके रहना चाहता है बट वो बोलता है कि मैं अपना ट्रीटमेंट का कॉस्ट खुद मैं पे करूंगा, तो उसकी फैसिलिटी है हमारे, उसकी फैसिलिटी, उसके लिए हमारे यहाँ सेपरेट रूम्स है, ये सामने 3 रूम सेपरेट है। इसके लिए वो अपना एक जो भी उनके साथ सर्वेंट रहना चाहता है या कोई नर्स है, कोई भी अटेंडेंट, उसके साथ रहना कंपलसरी है, क्योंकि कंपलसरी है ना, क्योंकि अब इतना तो उन्हें नहीं देख पाएंगे। सही बात, सही बात है, तो कोई ना कोई होना चाहिए उनके लिए। और दूसरी फैसिलिटी हमारे यहाँ है सेपरेट, ऊपर ऊपर हमारे यहाँ सेपरेट रूम है, वो प्राइवेट रूम, वो प्राइवेट रूम है, पेमेंट है उसका क्या है कि 5,000 रुपीज है कमरे का, उसी में आपका खाना पीना सब कुछ है। अच्छा। बस आपको 5,000 पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा। और अगर हस्बैंड वाइफ है तो आपका वो मंथली पेमेंट होगा, वो मंथली पेमेंट होगी 7,000 जो आप आश्रम को देंगे। उसके अलावा अगर आपको यहाँ नॉर्मल खाना मिलता है, क्योंकि देख के मिलता है कि नमक मिर्च और हर चीज बैलेंस हो, एक और रूटीन चेकअप के लिए हमारे यहाँ डॉक्टर आते हैं, वो वीकली चेकअप के लिए आते हैं, जो आपको मेडिसिन वगैरह सब। अच्छा। कुछ है। जो निशुल्क वाला है उसमें भी खाना वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ, सब कुछ ठीक। मेरे ख्याल से क्लोथ्स भी है ना, कपड़े भी है, कपड़े भी। अच्छा जी, कपड़े भी, उनकी मेडिकल चेकअप वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इसमें जो मैम मेरे को थोड़ी देर पहले बता रही थी कि गरीब बच्चे वगैरह भी यहाँ पे आ सकते हैं, नहीं सर वो तो गवर्नमेंट के, हाँ, गवर्नमेंट वो के, हमारे यहाँ एक चैनल है खुला आश्रय है, वो गवर्नमेंट के थ्रू आते आज वो गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं हमारे। अच्छा। जो आपके रेलवे स्टेशन पे और बस स्टैंड पे जो बच्चे घर से भाग जाते हैं या कोई भी क्राइम छोटे उम्र के बच्चे करते हैं, तो पुलिस को अथॉरिटी नहीं होती कि वो अपने यहाँ रखे, तो वो हमारे यहाँ आते हैं। अब वो वहां से ऑर्डर होते हैं उन्हें, नेक्स्ट डे उन्हें कोर्ट में जाना होता है, वहां से ऑर्डर होता है कि वो 1 दिन रहेंगे या 2 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, 10, जो भी मतलब वहां से कार्रवाई की जाती है, फिर उसके तहत हमारे यहाँ रहते हैं। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि कोई अगर यहाँ पे कोई बुजुर्ग यहाँ पे रहना चाह रहे हैं, हम लोग लेके आ रहे हैं, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ चाहिए? डॉक्यूमेंट्स के लिए सर आपको एक आधार कार्ड चाहिए और एक उनका मेडिकल चाहिए। मेडिकल चाहिए, बस ये दो चीज चाहिए ना? दो चीज चाहिए। और किसी को भी, कोई भी अगर आना चाहते हैं तो उनको ला सकते हैं। जी जी। यहाँ पे अभी कितने कितने कमरे होंगे फिलहाल? सर ऊपर तो मेरे ख्याल से 14 कमरे ऊपर है, 2 डोमेट्री नीचे। अच्छा अच्छा, 15-20 लोग अभी है यहाँ। जी जी जी, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चाय भी अच्छा, आप मुझे सुना जी, आप मुझे जो जसानंद जी ने बोला था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ, वो नीचे नीचे का वाला डॉमेट्री वाला फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। और ये पेमेंट वाले हैं, बट इनमें क्या है, खाने का कुछ खर्चा नहीं है, सिर्फ क्या है कि रूम से आपके 5,000 लिए जाते हैं पर बंदे से। अच्छा। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों है तो 7,000 है। अच्छा। खाना वाना उसी में है, और अगर अपना पर्सनली कुछ खाना है तो पूरे दिन की क्या एक्टिविटीज रहती है लोगों की? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब करनी चाहिए। आगे ऐसे रूम है ना हमारे, उसमें डबल बेड है आपका, अलमीरा है, अटैच लैट्रिन बाथरूम। अच्छा अच्छा अच्छा, 13-14 कमरे। अच्छा, तो काफी अच्छा है। कैमरास वगैरह लगे क्या? सीसीटीवी लेस है। अच्छा, पूरा सीसीटीवी। अच्छा, देखिए सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सीसीटीवी से पूरा सेफ्टी पर्पस है। इसको वन रूम चाहिए, मतलब जो सिंगल अपना प्राइवेसी का, जो हस्बैंड वाइफ है उनके लिए डबल रूम। अच्छा, ऐसे कौन सा रूम? कपड़े धोने, बुक्स वगैरह रखी है ना सर? ये तो वो एनजीओ का है। अच्छा, एनजीओ बाथरूम लेटरिन बाथरूम
और जिनको प्राइवेट रूम में चाहिए उनके लिए रूम है। अच्छा जैसे बहुत से होते हैं चाहते हैं अपनी प्राइवेसी के लिए, जी जी तो जी वो रूम है उनके, अदरवाइज बाहर है। ये है वो वृद्धाश्रम जो जिसकी बात हम लोगों ने आपसे की थी और जिसके लिए हम लोगों ने फंड कलेक्ट किया है। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है बेसहारा बुजुर्ग लोगों के लिए। आप लोगों को अंदर के कमरे दिखाते हैं, इनका ऑफिस है। डाइनिंग हॉल हाँ, लंच में जो ऊपर बैठ जाता है ऊपर, जो ऊपर नहीं रह सकता है नीचे, ऐसे करके यहाँ पे खाना जो ये डाइनिंग हॉल है। अब आइडिया ये है कि डाइनिंग हॉल बनाएंगे ऊपर में बाहर, ये है हमारी बैठ की आवश्यकता है उसमें लगते रहते हैं। अब किसी को प्राइवेट चाहिए तो उसके लिए ऊपर, अभी ऊपर भी दिखाती हूँ। ये डोमेट्री है, किसी को अगर प्राइवेट रूम चाहिए तो उसके लिए उनके लिए अलग से व्यवस्था भी की गई है। हाँ जो कोई आता है तो उधर से एंट्री, आश्रम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अच्छा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अपना काम होता है, हमारा खुला आश्रय गृह भी चलता है जो बच्चे। अच्छा। आपकी जो स्टैंड हो गया और आपका रेलवे स्टेशन हो गया, जो बच्चे घूम के भाग जाते थे, तो पूरे मतलब पूरे जिले में ना एक ही होता है। जैसे हमारा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है तो हरिद्वार ये जो पुलिस वाले भी भेजते हैं, हाँ पुलिस वाले जिनकी अथॉरिटी नहीं होती कि ये क्राट रखते हैं, तो ये हमारे यहाँ आश्रम में ये